नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम प्ले करेंगे सीजी का बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग। सॉन्ग का नेम है बरसा रानी। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें वीडियो, और अच्छा लगे तो एक लाइक दोस्तों ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। Thank you.
सीखते हैं कैसे इसको प्ले करना है अपने कीबोर्ड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैंजो का टोन ले लेते हैं और उसको कैसे प्ले करना है, फर्स्ट का म्यूजिक जो है वो किस स्टेप से आपको प्ले करना है, चलिए ध्यान से देखिएगा, बारी बारी करके एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ और यहाँ से आपको कैसे प्ले करना है चलिए देखिए। यहाँ से इस प्रकार से फर्स्ट म्यूजिक प्ले होता है। तो इसको कैसे बजाना है चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से बजाना है आपको, देखिए इसको ऐसे करके, ये फर्स्ट हो गया। देन इसी टाइप से ये 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 और ये, इसको कैसे प्ले करना है चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा मेरे फिंगर को। ये आप सीख लीजिए पहले, उसके बाद सेम इसी टाइप से इसको टू टाइम्स आपको प्ले करना है। चलिए मैं प्ले करके बताता हूँ। इस प्रकार से आपको प्ले करना है, ठीक है। तो आई होप इधर तक आप समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हम नेक्स्ट लाइन को, नेक्स्ट लाइन में कैसे प्ले होता है चलिए देखते हैं इसका म्यूजिक। तो इस प्रकार का म्यूजिक प्ले होता है। तो चलिए इसको सीखते हैं कैसे आपको अपने कीबोर्ड में बजाना है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कितना बार कौन सा फिंगर कौन सा की में प्रेस हो रहा है, ये चीज़ आप बहुत गौर से देखिए, ठीक है। फिर आपको ऑटोमेटिकली आपको प्ले करने आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से, गौर से देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जंप मारना, इसको नहीं छूना है, ठीक है। तो कैसे प्ले करना चलिए देखते हैं। फिर दो स्टेप में इसको बजाना है, फर्स्ट स्टेप में कैसे बजाना है चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको बजाना है, फिर सेकेंड में, फिर इसको टू टाइम्स रिपीट करना है। कैसे प्ले करना है देखिए ध्यान से, आई होप जब तक आपको आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। इसके जस्ट बाद में आपका ये जो सॉन्ग का फर्स्ट लाइन है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको कैसे प्ले करना है चलिए देखते हैं। यहाँ से आपको लेना है या फिर दूसरा उसका भी यूज कर सकते हैं आप, यहाँ से करके, ऐसे यहाँ से, यहाँ से ध्यान से देखिए अपने, यहाँ सीधे यहाँ जंप मारना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जंप मारना है, उसके बाद में कैसे प्ले करना है ध्यान से देखिए। इसका फिलर कैसे बजेगा स्ट्रिंग में, उसके बाद फिर से, फिलर और उसके बाद में फिर आपको कैसे प्ले करना देखिए। उसके बाद यहां से लेना है, फिर फिलर, उसके बाद ऐसे प्ले होता है, ये फिलर हो गया। तो कैसे आपको सीखना है देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। पहले तो आप ये सीख लिए होंगे, उसके
उसके बाद में दो बार इसको प्ले करना आपको, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है। फिर इसको सीख रहे थे हम लोग, फिर यहाँ से, उसके बाद टिप टिप ऐसे बजाना है आपको, देखिए ऐसे प्ले करना है। ऐसे प्ले करना ध्यान से देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं इसका म्यूजिक की ओर। तो इसके बाद का जो म्यूजिक है बहुत ही प्यारा लाजवाब है, इसको आप एक बार प्ले करेंगे तो आपका मन मस्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये म्यूजिक को फ्रेंड्स आप स्ट्रिंग में लीजिए, बहुत ही प्यारा टोन है स्ट्रिंग, इसमें आपको मजा ही आ जाएगा प्ले करने में। तो यहाँ से देखिएगा आप, यहाँ से लेना है आपको, इसको 6 बार प्रेस करना है, प्रेस करना। देखिए यहाँ से फिलर 1 2 3 4, यहाँ से और एक बार देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, उसके बाद में ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसका इसके बाद में फ्लूट म्यूजिक प्ले होता है, ये वाला म्यूजिक को कैसे प्ले करना है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ से देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं इसके बाद का जो स्ट्रिंग प्ले होता है, जो कि बहुत ही सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, उसको आप बहुत आसान तरीके से कैसे बजा सकते हैं, मैं इसका ट्रिक मतलब इसको मैं प्ले करके बताता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद का जो स्ट्रिंग है वो कैसे प्ले होता है ध्यान से सुनिएगा, उस गाने का जो स्ट्रिंग है उसको ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से प्ले होता है। ऐसे प्ले होता है, तो इसको आपको कैसे प्ले करना है चलिए देखते हैं इसको। तो इसको कैसे प्ले करना है ध्यान से देखिएगा, ये वाला म्यूजिक प्ले होता है, फिर ये वाला म्यूजिक प्ले होता है, ये स्ट्रिंग प्ले होने के बाद में। तो कैसे प्ले करना है मैंने आपको बता दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद में यहाँ
इस प्रकार से प्ले होता है ये स्ट्रिंग। उसके बाद में जस्ट इसके बाद में जो गाने का नेक्स्ट लाइन है वो इस प्रकार से प्ले होता है, ध्यान से देखिएगा इसको यहाँ से, ये और ये प्ले हो रहा है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा इसको। और एक बार देखिएगा ध्यान से, उसके बाद में फिर बहुत ही प्यारा सा एक लाइन प्ले होता है, चलिए इसको सीखते हैं कैसे आपको अपने कीबोर्ड में प्ले करना है। स्ट्रिंग में ही ले लेते हैं, आप स्ट्रिंग में प्ले करिएगा, कितना बार प्रेस करना है ध्यान से देखिएगा यहाँ से, उसके बाद में टिप टिप, तो कुछ इस तरह से आपको प्ले करना है, और जो मैंने फर्स्ट में म्यूजिक बताया है उसको इसके जस्ट बाद में प्ले करना है। और फ्रेंड्स इसी टाइप से राउंड बाय राउंड करके आप ओरिजिनल गाने को सुने और मैं जो टोटल बताया हूँ उसे आप फॉलो करिए, आप शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही इजीली सीख जाएंगे। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो फ्रेंड्स या फिर कोई आपका सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और नेक्स्ट कौन सा सॉन्ग चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दें। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।